What's up guys, welcome back to our channel। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्रेकिंग बैड सीजन 4 एपिसोड नंबर 9 के बारे में। इससे पहले के सभी सीजन्स एंड एपिसोड्स हम डिटेल में कवर कर चुके हैं, अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके चेकआउट कर सकते हैं और साथ ही प्लेलिस्ट भी रेडी है, जाइए और एंजॉय करिए। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग योर टाइम एनी मोर, लेट्स स्टार्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एपिसोड नंबर 9। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं वॉल्ट को जो कि हैंक को लेने के लिए आया होता है, एंड यहाँ पे हमें पता चलता है कि वो दोनों फिर से गस के केस को इन्वेस्टिगेट करने वाले हैं। वो लोग जाते हैं गस के घर पे एंड यहाँ पे वॉल्ट वापस से उस ट्रैकर को निकाल लेता है एंड लाके हैंक को दे देता है। वो लोग जाते हैं फिर हैंक के घर पे एंड यहाँ पे वो लोग चेक करते हैं कि गस आखिर कहाँ पे गया था। वो देखते हैं कि हफ्ते भर से गस बस अपने घर से शॉप और शॉप से घर पे ही आया है। वॉल्ट कह रहे कि देखो ये सब कुछ प्रूफ हो गया कि जैसे तुम ढूंढ रहे हो वो गस नहीं है। हैंक कहते हैं कि नहीं, अब तो मुझे उस पर और भी ज्यादा शक हो चुका है, ये डेफिनेटली गस ही है क्योंकि उसके और भी काफी सारे कॉन्टेक्ट्स हैं एंड उसे वहां पे भी जाना चाहिए, लेकिन वो बस अपनी दुकान से घर और घर से दुकान ही जा रहा है एंड कोई भी इतना क्लीन नहीं होता कि बस घर से दुकान और दुकान से घर ही जाए। तो ये सब देखते हुए हैंक का जो शक था वो और भी ज्यादा स्ट्रांग हो चुका है टुवर्ड्स गस। अब वॉल्ट हैंक के घर से बाहर निकलता है एंड उसे वही आदमी मिलता है जिसे कि गस ने भेजा हुआ था एंड वो हैंक के घर के बाहर खड़ा था। तो वॉल्ट पुलिस को कॉल लगा देता है और बताता है उसी आदमी के बारे में एंड हैंक के घर की लोकेशन दे देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वॉल्ट वापस उसी जगह पे जाता है जहाँ पे वो कुक करता है एंड यहाँ पे खड़ा होता है जेसी। वॉल्ट जेसी से कहता है कि चलो हम लोग जाके क्लीनिंग कर लेते हैं। तो जेसी कहता है कि कोई जरूरत नहीं है, मैं पहले ही सब कुछ क्लीन कर चुका हूँ। वॉल्ट उसे सिगरेट मांगता है एंड इसे वो यही चेक करना चाहता है कि क्या जेसी के पास वो सिगरेट अभी भी है या फिर उसने गस को मार दिया। जेसी कहता है कि नहीं, वो सिगरेट अभी भी मेरे पास है। वॉल्ट इस चीज को इग्नोर करते हुए एक सिगरेट निकाल के पीने लग जाता है। अब जब वॉल्ट घर पे होता है तो उसे कॉल आता है स्काइलर का एंड यहाँ पे वो उसे बताती है कि जूनियर का बर्थडे आने वाला है तो हमें उसे कोई कार गिफ्ट करनी पड़ेगी एंड अब तुम डिसाइड कर लो कि हम उसे कौन सी कार गिफ्ट करें। वॉल्ट कहता है कि जो तुम्हारी मर्जी है वही गिफ्ट कर लो, क्योंकि डेफिनेटली जो कार वॉल्ट ने गिफ्ट करी थी उसको तो स्काइलर ने ठुकरा दिया। इसके बाद स्काइलर उसे ये भी बताती है कि हमारा कार वॉश बहुत ही अच्छी तरीके से चल रहा है एंड जो पुराना मालिक इसे हैंडल कर रहा था हम उससे भी अच्छी तरीके से इसे हैंडल कर रहे हैं, तो तुम्हारे पास ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि तुम ड्रग के सिलसिले से बाहर निकल जाओ। वॉल्ट बस उसकी बात सुन लेता है एंड कोई भी रिप्लाई नहीं देता। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि वॉल्ट सो रहा होता है एंड तभी उसे कॉल आता है हैंक का। वो उसे बताता है कि मुझे गस के गोडाउन के बारे में पता चला है, हमें जाके उस गोडाउन को चेक करना चाहिए, शायद हमें कुछ ना कुछ मिल जाए। इससे हम ये चीज तो देख सकते हैं कि हैंक का दिमाग सच में बहुत ही ज्यादा चलता है एंड डेफिनेटली उसने बहुत ही सही चीज पकड़ ली है। वॉल्ट बहाने बनाने लगता है कि मेरी तबीयत खराब है, तो हैंक कहता है कि चलो ठीक है मैं किसी और की हेल्प ले लूंगा। अब वॉल्ट को लगता है कि अगर वो अभी किसी के साथ चला गया तो डेफिनेटली हमें टाइम नहीं मिलने वाला, इसीलिए वॉल्ट कहता है कि 2-3 दिन में मेरी तबीयत सही हो जाए तो मैं ही तुम्हारे साथ चलूंगा क्योंकि मुझे तुम्हारे साथ काम करना अच्छा लगता है। उसके ज्यादा कन्विंस करने के बाद हैंक इस बात के लिए मान जाता है। ऑन द अदर हैंड हम देखते हैं स्काइलर को जो कि मनी लॉन्ड्रिंग कर रही होती है एंड तभी यहाँ पे आ जाता है टेड। टेड स्काइलर से बातें करने लगता है एंड उसे अपने कुछ पेपर्स दिखाता है और कहता है कि मैं बहुत ही बड़े ट्रबल में हूँ। जैसे कि हम जानते हैं कि उसने पैसों की हेर फेर करी होती है तो वो यहाँ पे आके स्काइलर से हेल्प मांग रहा होता है, लेकिन स्काइलर उसको यही सजेशन देती है कि तुम्हें ये सब कुछ पे करना पड़ेगा, अगर तुमने ये सब कुछ पे नहीं किया तो यहाँ पे मेरा भी नाम है एंड तुम्हारे साथ साथ मुझे भी जेल में जाना पड़ेगा। और स्काइलर ये बिल्कुल भी नहीं चाहती तो वो उसे सीधी तरीके से समझा देती है कि तुम्हें ये सब कुछ पे करना ही पड़ेगा। ऑन द अदर हैंड हम देखते हैं जेसी और माइक को, वो सारा का सारा सामान गाड़ी में रख रहे होते हैं एंड यहाँ पे जेसी माइक से कहता है कि मैंने सुना है कि गस वॉल्ट के ब्रदर इन लॉ को मारने वाला है एंड मुझे नहीं लगता कि उसे ऐसा करना चाहिए क्योंकि हैंक अभी गस के केस को इन्वेस्टिगेट कर रहा है एंड अगर गस ने हैंक को अभी मरवा दिया तो पूरी तरीके से शक चला जाएगा गस के ऊपर एंड इससे बिजनेस में भी बहुत ही ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा और अगर गस लपेटे में आएगा तो डेफिनेटली हम सब भी लपेटे में आ जाएंगे। एक तरीके से माइक को कन्विंस कर रहा होता है कि हमें हैंक को नहीं मारना चाहिए। अब हम देखते हैं कि जब वो लोग कार में सामान रख रहे होते हैं तो यहाँ पे एक स्नाइपर उन पे फायर करने लग जाता है और इसी दौरान एक आदमी की मौत भी हो जाती है। माइक जेसी को बचाता हुआ अंदर भाग जाता है एंड तभी यहाँ पे गस बाहर आके खड़ा हो जाता है। वो दिखाने की कोशिश कर रहा होता है कि तुम मुझे कुछ भी नहीं कर सकते एंड डेफिनेटली वो गस पे फायरिंग नहीं करता। सो अब कार्टल गस को बहुत ही ज्यादा परेशान कर रहा है तो फाइनली इस डील के लिए हाँ कर देता है, यानी कि वो उसके साथ अपने फॉर्मूले वगैरह सब कुछ शेयर करने के लिए तैयार है। वो उसे फॉर्मूला देने वाला है जिससे कि वो मैथ को करता है, हालांकि मैथ तो वॉल्ट को करता है पर जो भी हो वो उसे फॉर्मूला देने वाला है। अब जो एक आदमी मरा था उसकी बॉडी जेसी और माइक वॉल्ट के पास ले आते हैं और कहते हैं कि तुम जिस तरीके से बॉडीज वगैरह गलाते हो उसी तरीके से इसे गला दो। वॉल्ट उन पे गुस्सा करने लगता है कि अब ये काम भी हर बार मैं ही करूंगा, लेकिन माइक उसे धमका के ये काम करवा लेता है। इसके बाद जेसी माइक से काफी सारे क्वेश्चंस करने लगता है कि क्या वो लोग किसी को भी मार सकते एंड गस उनके सामने ऐसी जगह कैसे खड़ा हुआ और गस को उन्होंने गोली क्यों नहीं मारी। माइक कहता है कि गस की उनको काफी ज्यादा नीड है एंड कार्टल गस को ऐसे ही नहीं मार सकता क्योंकि उसे पता है कि गस को मारना एक बेवकूफी होगी और अगर गस को उन्होंने ऐसी मार दिया तो उन्हें फॉर्मूला वगैरह कभी नहीं मिलेगा। जैसे कहता है कि तो क्या वो लोग किसी को भी मार सकते हैं।
माइक कहता है कि अगर तुम्हारे दिमाग में इतने सारे सवाल आ ही रहे हैं तो ये बातें जाए कि तुम गस से डायरेक्टली करो। ऑन द अदर हैंड हम देखते हैं टेड को जो कि सारी की सारी रिपोर्ट्स दे रहा होता है, एंड तभी यहाँ पे एंटर हो जाती है स्काइलर। वो यहाँ पे ऐसे रिएक्ट कर रही होती है कि उसे तो कुछ पता ही नहीं था, यानी कि उसे अकाउंटेंट की जॉब की कोई नॉलेज नहीं है, एंड उसे जॉब इसलिए मिल गई थी क्योंकि उसकी कैलकुलेशन वगैरह अच्छी है। यानी कि वो यहाँ पे बता रही है कि ये सब कुछ इग्नोरेंस के चलते हुआ है। अब इसे होगा ये कि टेड को जो जेल होने वाली थी उससे टेड बच जाएगा। अब इस चीज से स्काइलर और टेड दोनों ही बच जाते हैं। जब वो लोग बाहर आते हैं तो टेड कहता है कि आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रही थी। स्काइलर कहती है कि मैंने तुम्हें और खुद को बचा लिया, फ्रॉड के चलते जो तुम्हें जेल होने वाली थी अब वो तुम्हें नहीं होगी, बल्कि यहाँ पे एक इग्नोरेंस का केस बन चुका है, अब तुम्हें बस जो भी इंटरेस्ट वगैरह होगा वो पे करना पड़ेगा। टेड कहता है कि लेकिन मेरे पास बिल्कुल भी पैसे बाकी नहीं है। तो स्काइलर कहती है कि तुम्हारे पास जो BMW है, इतनी अच्छी तुम्हारी लाइफस्टाइल है, तो लाइफस्टाइल को जरा लो कर दो और ये सब कुछ पे कर दो। लेकिन तभी हम टेड को देखते हैं एक छोटी सी कार में बैठते हुए, यानी कि उसने BMW वगैरह सब कुछ पहले ही सेल कर दी, अब वो बिल्कुल सिंपल लाइफस्टाइल जी रहा है। स्काइलर को भी ये सब कुछ देख के उस पे तरस आ जाता है। ऑन द अदर हैंड हम देखते हैं कि जैसी गस के पास आया होता है, यहाँ पे गस कुक कर रहा होता है एंड वो लोग साथ में डिनर करने वाले हैं। यहाँ पे जैसी को चांस मिलता है गस को मारने का, वो पॉइजन को पतीले में डाल सकता था लेकिन इसके अंदर जो भी खाना है वो जैसी को भी खाना पड़ेगा, तो डेफिनेटली वो ये नहीं कर सकता। अब जब वो लोग खाना खाने लगते हैं तो यहाँ पे गस उससे कहता है कि क्या तुम अकेले कुक कर सकते हो, तो जैसी कहता है हाँ मैं अकेले कुक कर सकता हूँ। तो गस उसे कहता है कि तुम्हें कार्टल के पास जाके कुक करना है एंड उन्हें सिखाना है कि हम कैसे कुक करते हैं। अब जैसी इसके लिए मान तो जाता है लेकिन वो काफी ज्यादा नर्वस होता है। ऑन द अदर हैंड हम देखते हैं वॉल्ट को एंड उसे अब जैसी पे शक हो जाता है कि शायद वो गस को नहीं मारने वाला, इसीलिए उसने उसकी कार पर ट्रैकर लगाया होता है एंड चेक करने पर उसे पता चलता है कि जैसी 2 घंटा गस के पास था लेकिन फिर भी उसने गस को नहीं मारा, इसीलिए वॉल्ट पहुंच जाता है जैसी के पास और यहाँ पे जैसी उसे बताता है कि मैं बहुत बड़ी प्रॉब्लम में हूँ। गस ने कहा है कि अब मुझे कार्टल के लिए भी कुक करना है एंड अगर मैं वहाँ पे जाके कुक नहीं कर पाया तो कार्टल मुझे मार देगा। वॉल्ट कहता है कि चिंता मत करो तुम अच्छी तरीके से कुक कर लोगे, लेकिन फिर भी जैसी काफी ज्यादा नर्वस होता है। अब वॉल्ट उसे पूछता है कि क्या तुम्हें कार्टल के लिए कुक करना है, ये गस ने तुम्हें खुद बताया। जैसी पूछता है कि आखिर तुम क्या कह रहे हो, तो वॉल्ट कहता है कि कल तुम 2 घंटा गस के पास थे एंड फिर भी तुम उसे नहीं मार पाए, तुम्हें इतना अच्छा चांस मिला था गस को मारने का, तुमने ये जाया जाने दिया। अब जैसी को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है क्योंकि उसे पता चल जाता है कि वॉल्ट उस पर नजर रख रहा है और इसी बात में उन दोनों के बीच बुरी तरह लड़ाई हो जाती है और इसी के साथ ये एपिसोड भी यहीं पे खत्म हो जाता है। सो इफ यू एंजॉयड दिस वीडियो देन मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन एंड प्रेस द सब्सक्राइब बटन इफ यू न्यू द चैनल, शेयर इट एज मच एज यू कैन एंड इफ यू हैव एनी क्वेरी जस्ट कमेंट डाउन एंड लेट अस नो। सो विल सी यू इन द नेक्स्ट वन, टिल देन पीस अप।